इज वाइज मैन। आज सोलो सिकोआ का ये रिप्लाई था जब उनसे पूछा जाता है पॉल हेमन के द्वारा कि आपकी रोमन रेंस से बातचीत हो रही है क्या, तो यहां दोस्तों सोलो ये रिप्लाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज दोस्तों फाइनली हम लोगों ने एक लंबी चैंट सुनी है रोमन रेंस के नाम की, जो कि कहते हैं ना एक टाइम पर लोग हेट करते हैं वही लोग एक टाइम पर प्यार देते हैं, इससे कन्फर्म होता है। इसके अलावा दोस्तों रैंडी ऑर्टन प्रबल दावेदार बन चुके हैं और अब दिल से लग रहा है दोस्तों कि रैंडी ऑर्टन के चांस है किंग ऑफ द रिंग जीतने के, लेकिन क्यों चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैक्सन वाइल्ड से आज की स्मैकडाउन लाइव थी, इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहली एंट्री देखने को मिलती है हमें एरिना में वो रहती है रैंडी ऑर्टन कार्मेलो हीज की, फिर आते हैं ब्लड लाइन वाले एलए नाइट, फिर आती है दोस्तों हमारे नाया जैक्सन जेड कारगिल। वेल ये सारे सुपर स्टार्स दोस्तों क्वीन एंड किंग ऑफ द रिंग का पार्ट थे, तो इनकी एंट्री स्पेशल दिखाएगी। सबसे पहला मैच था क्वीन ऑफ द रिंग का क्वालिफायर, जहां दोस्तों बियंका ब्लेयर फेस कर रही थी टिफनी स्ट्रैडन को। टिफनी स्ट्रैडन जो कि अपने हाल फिलहाल में दोस्तों जो कमेंट्स की है ट्विटर के ऊपर, जो कि आपको पता भी होगा कंट्रोवर्सी में थी, यहां दोस्तों बियांका को फेस करी थी जो कि काफी पॉपुलर है। और मैंने आपको बता रखा था बियांका इसमें जीतेगी। बियांका इसके अंदर किस तरीके जीतती है कि गाइज एंड में जहां टिफनी स्ट्रैडन अपना फिनिशर लगाने टॉप रोप के ऊपर जाती है, बियांका उन्हें रिकॉर्ड कर लेती है और गाइज अपना फिनिशर वहां धर देती है 1-2 and 3। बियांका दोस्तों इंजर्ड होने के बावजूद भी मैच के अंदर जीत गई। मैच के बाद यही चीज वो कहती है कि इंजर्ड है, लेकिन वहां चैंट लगती है ESTA की। बियांका कहती है कि किंग क्वीन ऑफ द रिंग बनने वाली और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था एलए नाइट एंड लोगन पॉल का फेस ऑफ। वेल र्यूमर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि आगे जाकर दोस्तों लोगन पॉल को डीथ्रोन कर सकते हैं एलए नाइट, तो यहां इनका फेस ऑफ डब्ल्यू वालों ने एक तरीके का ईस्टर एग ड्रॉप किया, निकेल्डिस ने इन्हें अलग किया। जेड एंड बियांका की बातचीत हो रही है, जेड कहती है बियांका तुम मैच को जीत चुकी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बियांका कहती है अगर तुम जीत जाती हो तो हम दोनों के बीच में मैच होगा, फिर ये जो टाइटल्स हमारे कंधों पर है बीच में नहीं आएंगे। यहाँ वो उस बात पर सहमति करती है और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन का गोल्डन सेगमेंट। इस सेगमेंट के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो हमें चीज देखने को मिलती है कि टामा टोंगा अपने में कुछ बड़ा बड़ा रहा होता है, वहीं सोलो सिकोआ टामा टोंगा को कहते हैं इट्स टाइम बेटा तैयार हो जाओ तुम्हारा मैच नेक्स्ट है, जिस पर टामा एलोआ वहां से निकल जाते हैं। लेकिन पॉल हेमन सोलो सिकोआ को पकड़ लेते हैं। पॉल हेमन पूछते हैं सोलो सिकोआ से, जो कि आज लाल कलर का ब्लेजर पहनकर आ रखे थे, उन्हें पूछते हैं क्या आपकी आज भी रोमन रे से बातचीत हुई है क्या सोलो, जिस पर सोलो कहते हैं ऑलवेज वाइज मैन, यानी कि हमेशा ही होती रहती है, और फिर वहां से हल्का सा मुस्कुरा दें स्मक करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि सोलो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि सोलो सिकोआ वैसे भी दोस्तों अगर आप स्मैकडाउन देखते होंगे उनकी कम बातचीत रहती है, और रोमन रेंस से तो दोस्तों उनकी बातचीत वैसे ही कम रहती थी, इवन सामने से भी कम बातचीत करते थे, तो भला फोन पर वो कैसे कनेक्ट रहेंगे। तो ये हाँ दोस्तों मेरे हिसाब से सोलो झूठ कह रहे, और पॉल हेमन के रिएक्शन भी साफ बता रहे थे, हम लोग देख रहे थे दोस्तों अब कैथी कली को हमारे एलए नाइट के साथ। एलए नाइट दोस्तों आज जैक्सन वाइल में काफ़ी ओवर थे, शायद से जैक्सन वाइल उनका घर है इसलिए हर कोई ये चैंट कर रहा था। यहाँ दोस्तों एलए नाइट यही चीज़ कहते हैं कि आज वो BFT लगाकर मैच को जीतने वाले हैं और हराने वाले हैं टामा टोंगा को। इन्होंने ब्लड लाइन की भी बेइज्जती की, वही चीज़ बोले कि लास्ट टाइम जब ब्लड लाइन से वो भिड़े थे तो अब कुछ एक मेंबर चेंज हो चुके हैं, नई ब्लड लाइन है, और टामी आज मैं तुम्हें गंदे तरीके से पीटने वाला हूँ। यहाँ उन्होंने दोस्तों टामा टोंगा का मजाक उड़ा दिया और फिर दोस्तों वहाँ आ जाते कार्मेलो हेज। कार्मेलो हेज को दोस्तों एलए नाइट ये चीज़ कहते हैं कि तू अभी नया है बच्चू और तू रैंडी ऑर्टन पर फोकस कर। इसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि सोलो सिकोआ की एंट्री हो गई है और गाइज काफ़ी तगड़ी एंट्री होती है अलॉन्ग विद ब्लड लाइन। यहाँ दोस्तों ठामा ठोंगा तैयार है, अब गाइज एलए नाइट भी आ चुके हैं, मैच हो चुका है बिगन, और गाइज क्या ही मैच था। इसके अंदर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि एलए नाइट टोंगा को पीटते पीटते बाहर ले जाते हैं और बीच बीच में दोस्तों सोलो भी इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं, लेकिन एंड में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलती है ब्लड लाइन की तरफ से, जहाँ जो हमारे अपने एलए नाइट BFT को जा रहे थे वहाँ अलोहा ने बाहर खींच दिया। मैंने आपको बताया था लोहा जो है मदद करेंगे दोस्तों टोंगा की, उन्होंने बाहर खींच दिया टोंगा को और यहाँ दोस्तों एलए नाइट उन्हें टेकआउट करते हैं और गाइज अपनी लातों से टेकआउट करते हैं लोहा को, लेकिन सोलो सिकोआ से उनका फेस ऑफ हो जाता है। इसी बीच दोस्तों अंदर टामा जो गए हुए थे वो हील कर गए और उन्होंने अपना फिनिशर लगाकर फेस बस्टर लगाकर पिन कर दिया एलए नाइट को। मैच को यहाँ टामा टोंगा जीत गए
उसके बाद लड़ाई ने कुछ नहीं किया लेनाइट के साथ और वहां से चल दी। तो यहाँ दोस्तों थामा टोंगा एडवांस कर गए और कुछ इस तरीके का चार्ट दिख रहा था हम लोग देख रहे थे दोस्तों। अब एलेनाइट का गुस्सा, एलेनाइट दोस्तों बैक से जाकर कार्मेलो हेस से टकरा जाते हैं जो कि उनका मजाक उड़ाते हैं। कार्मेलो हेस कहते हैं हाँ कैसी रही, जिस पर दोस्तों एलेनाइट उन्हें धक्का देते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी इंटेंस माहौल था और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बता रही है कि आगे जाकर डायरेक्ट लोगन पॉल वर्सेस एलेनाइट ही होगा। बल्कि गाइज आप लोगों को सबसे पहले हल्की सी राइवलरी देखने को मिल सकती है मेलो एंड गाइज एलेनाइट के बीच में। अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का टाइम आ चुका है, यस फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका सभी को इंतजार था। लोगन पॉल अपने वकील के साथ और दोस्तों के साथ आ रखे थे और वहां दोस्तों निक कैल्डिस फिर कोडी को बुलाते हैं, वहां दोनों टाइटल साथ में रखी जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आना था जो कि आया अभी। वहां दोस्तों निक कैल्डिस ने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी हुई थी कि यूएस चैंपियनशिप भी दाव पर रहेगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी दाव पर रहेगी। लेकिन गाइस लोगन पॉल चलाक अपने साथ दोस्तों अपने काउंसिल को अपने वकील को लेकर आ रखे थे। यहाँ दोस्तों कोडी सबसे पहले कहते हैं कि आज के दिन पता क्या हुआ था, आज से लगभग 32 साल पहले लोगन पॉल, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, WCW का वॉर गेम्स मैच हुआ था। तो तुम जान रहे हो कि मेरी कितनी ज़्यादा नॉलेज है, नॉलेज इसीलिए है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से प्यार करता हूँ, तुम फोटो वोटो लेने के वीडियो बनाने के शौकीन हो, तो मैं बस यही चीज़ कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर यू और तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते। और मेरा सपना है US चैंपियनशिप एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को एक साथ होल्ड करने का, तो वो मैं पूरा करके रहूंगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बात होती है, लोगन पॉल कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ देते हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि उनके वकील ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, US चैंपियनशिप इस पर दाव पर है और यहाँ वो साइन नहीं करने वाले, वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सामने रखते हैं। निक कैल्डिस कहते हैं कि हमारी बातचीत हो रखी थी लोगन पॉल कमरे के अंदर, लोगन तुम ऐसा नहीं कर सकते। लोगन पॉल कहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। इस पर कोडी कहते हैं निक कैल्डिस तुम पर हमें कोई भी गुस्सा नहीं है। कोडी कहते हैं देखो निक कैल्डिस हम मानते हैं तुम अच्छे जीएम हो, तुम यहाँ से चले जाओ। इस दौरान दोस्तों कोडी रोड्स जो है कोई चीज़ कहते हैं लोगन वेल अगर तुम्हें सिर्फ एक चैंपियनशिप के लिए फाइट करनी, मेरी चैंपियनशिप के लिए फाइट करनी और तुम कहते हो मैं डिजर्व नहीं करता, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक बात जान लो तुम ये चीज़ किंग ऑफ द रिंग के बाद नहीं कहने वाले। उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि लोगन पॉल एंड कोडी के बीच में भिड़ंत होती है। अटैक करने की कोशिश करते हैं लोगन, लेकिन कोडी उल्टा उन्हें क्लोज लाइन करके बाहर फेंक देते हैं और उनके एक दोस्त को पावर बम कर देते हैं टेबल के ऊपर और फिर थोड़ी देर के लिए उन्होंने US चैंपियनशिप होल्ड की लेकिन फिर बाहर फेंक दिया। तो ये मैच दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ही होगा एंड लोगन पॉल का टाइटल सेफ है, यहां पता चलता है। अब गाइज मैच बिगन हो चुका है नाया जैक्स एंड जेड कारगिल का। इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वही हुआ, खोदा पहाड़ निकला चुहिया। यहां मैच के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां बिटिया भी आ रखी थी जेड की, जहां नाया जैक्स ये कहती है तुम्हारी माँ बेकार है और वो मैच को हारेगी। इस दौरान हमें चीज देखने को मिलती है कि जेड हार भी जाती है। कैसे हारती है कि नाया चेयर का यूज करने वाली थी जो कि दोस्तों जेड ने होल्ड कर ली और जेड ने ही मार दी, रेफरी ने तेग लिया, कैंटी बजा दी, VRDQ, नाया जैक्स जीत गई। इसके बाद दोस्तों इनके बीच में तगड़ी ब्रॉल होती है जहां ऑफिशियल्स आकर इन्हें छुड़ाने की भरसक कोशिश करते हैं लेकिन छुड़ाए नहीं जाते और सेगमेंट खत्म हो जाता है। DIY वर्सेस लेगाडो डेल फेंडेज़मा हो चुका है बिगन। मैच को देख रहे थे ऑस्टिन थ्योरी वॉलर, मैच वॉज गुड और इसके अंदर DIY की जीत हुई। इवन दो इसके अंदर एस्कोबार ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की लेकिन स्टिल DIY फिनिशर लगाकर जीत गया और नंबर वन कंटेंडर बन चुका है WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बात की जाए दोस्तों इससे अगली थिंग, इसके बाद दोस्तों वाइट की तरफ से हम लोगों को वाली वीडियो दिखाई गई जो कि हम कल डिस्कस किए थे। आपको बताना चाहूंगा आज एक QR कोड भी देखने को मिला है जिसके अंदर दोस्तों हमें डेट देखने को मिलती है 7/4/2014 की और उसके बाद दोस्तों एक बच्चा सा दिखाई देता है जिसके ऊपर जूम होता रहता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था AJ स्टाइल्स का रिएक्शन। तो AJ स्टाइल्स से पूछा जाता है अब आगे क्या, AJ स्टाइल्स कहते हैं मैं कोडी के खिलाफ हार चुका हूं, मैं रैंडी से किंग ऑफ द रिंग क्वालिफायर हार चुका हूं, नेक्स्ट वीक मैं निक कैल्डिस से बात करूंगा और चीजें साफ करूंगा। अब गाइज हम लोगों को W वाले बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीक होने वाला है ब्लेयर वर्सेस जैक्स और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जिसमें हमें पता चलना था कि आगे क्या होना है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने ये चीज भी देखी है कि बेली एंड जो पाइपर निविन एंड चेल्सी उनके बीच में फेस ऑफ होता है। बेली अगले वीक रिंग के अंदर बातचीत सुलझाने की बात यहां की है। रैंडी ऑर्डर आ चुके हैं, कार्मेलो हेज आ चुके हैं, मैच बिगन हो चुका है और जो जीतता गाइस वो सेमीफिनाले में जाता नेक्स्ट वीक, टोंगा का ओपोनेंट बनता। यहां में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस कार्मेलो हेज ने टपली मार दी रैंडी ऑर्टन के सर पर जो कि काफी सैवेज मूव था, जिसके बाद रैंडी ने काफी तगड़ी पिटाई की कार्मेलो की। कार्मेलो बीच में उनके टांग पर हमला करने की कोशिश करते हैं और टांग इंजर्ड भी कर देते हैं लेकिन एंड में दोस्तों रैंडी ऑर्टन की तरफ से काफी तगड़ा आरकियो आता है, आउट ऑफ नोवेयर आता है
जहां गाइस स्प्रिंग बोर्ड लगा रहे थे, स्प्रिंग बोर्ड दोस्तों कुछ मार रहे थे कि उरे आरकेओ लग गया, रैंडी और मैच को जीत गए। वहां सोलो सिकोआ आते हैं जहां रैंडी फिर जो लाइन मारते काफी कड़क थी। रैंडी कहते हैं कि अगर तुम यहां आना चाहते हो, मुझ पर अटैक करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं खुद से। आई एम रैंडी फ्रीकिंग ऑर्टन, आई एम 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड लेट मी इंट्रोड्यूस थामा ठोंगा। जब मैंने तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कर दिया तो थामा नेक्स्ट वीक तुम्हारा पिछवाड़ा मेरे जूते से इंट्रोड्यूस करेगा और इंट्रोड्यूस करेगा 3 मोस्ट डेंजरस लेटर यानी कि RKO से, एंड आई एम गोना बी नेक्स्ट किंग ऑफ द रिंग। तो यहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने स्टेटमेंट जड़ दी और काफी तगड़ी दोस्तों स्टेटमेंट जड़ी है। और वहां ब्लड लाइन ने कुछ नहीं किया रैंडी ऑर्टन से, वो भयभीत हो गए। रैंडी ऑर्टन वाकई में काफी तगड़े लगे हैं और इस तरीके से पूरी की पूरी स्मैकडाउन रैप्ड अप हुई है। तो रैंडी ऑर्टन किंग ऑफ द रिंग अब बनने के प्रबल दावेदार लगे मुझे आज। और रोमन रेंस से क्या सोलो की वाकई में बातचीत है आज का सवाल है, इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।